नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। सेंधमार नितिन बंदी, हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चर्चित सेंधमार नितिन दिलीप रेवड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान उसने 5 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया। नितिन के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज है। पुलिस ने उससे 4 दुपहिया वाहन सहित 87,000 रुपयों का माल जब्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर कारखाने में काम कर वापस अपने घर की ओर लौट रहे पति पत्नी अंधाधुंध स्पीड मालवाहक वाहन के शिकार हो गए। मृतक मोहपा निवासी तेजराम पांडे व उनकी पत्नी त्रिवेणी गंभीर रूप से घायल है, जिसका नागपुर के शासकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मदन पांडे के घर पर उनके बुजुर्ग माता पिता, 13 और 8 साल की बेटियां है। इस परिवार के पास कोई अन्य व्यवसाय नहीं होने से अब उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं तीसरी ओर पत्नी से चल रहे विवाद में पति और उसके भाई ने महिला को घर से निकाल दिया, साथ ही बच्चे को भी मारने की कोशिश की। अजनी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसके पति पंकज खांडेकर और जितेंद्र खांडेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता का विवाह 2016 में हुआ था। उन्हें 2 वर्ष का बेटा भी है। लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। संबंध इतने खराब हो गए कि पीड़िता 1.5 साल से अपने मायके में रह रही थी। कुछ ही दिन पूर्व वापस ससुराल लौटी, लेकिन दोबारा पंकज के साथ विवाद शुरू हो गया। रविवार की रात 10:30 बजे के दरमियान विवाद होने के पश्चात पंकज और जितेंद्र ने पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान पंकज ने अपने ही बच्चे की गर्दन पर कुर्ते लपेटे और उसे खींचते हुए घर से बाहर निकालने का प्रयास किया। वह पीड़िता से अभद्र व्यवहार किया, जिस पर पीड़िता ने अपनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।